स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एडोक्लिक पे इस सीरीज में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास नाइन और टेन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को साथ ही समझेंगे हम वेरी शॉर्ट आंसर को डिटेल में मैंने कोशिश की है जितनी ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने की तो इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो एन क्लास टेन सोशल साइंस सिविक्स और आज का हमारा चैप्टर है पावर शेयरिंग और आज हम करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ एंड वैन वाज सिन्हला रिकोगनाइज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका तो कब और कैसे सिन्हला लैंग्वेज को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दी गई तो हमारा आंसर है सिन्हला वॉज रिकोगनाइज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका बाय पासिंग एन एक्ट इन 1956 एक तो एक एक्ट पास करके 1956 में श्रीलंका के लिए सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट डज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर इन पावर शेयरिंग पावर शेयरिंग के अंदर इस सिस्टम के अंदर चेक्स और बैलेंसेस का, का काम क्या है वो क्या करता है तो हमारा आंसर है दैट नन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर ये चेक करता है और बैलेंस बनाए रखता है कि कोई भी ऑर्गन बहुत ज़्यादा पावर का यूज़ ना करे तो ये ऑर्गन्स कौन से हैं तो ये ऑर्गन्स है लेजिस्लेचर एक्सिक्यूटिव uh, और जुडिशरी कोई भी इनमें से एक दूसरे के ऊपर हावी ना हो जाए या फिर एक्सेस पावर का यूज ना करे तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेंशन एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर शेयरिंग पावर शेयरिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए तो हमारा आंसर है इट गिव्स द पीपल राइट टू बी कंसल्टेड और एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये जो राइट right है लोगों को एक राइट right दिया जाता है कि वो कंसल्ट कर सके बातचीत कर सके या अपने फैसले लोगों को या पावर में जो लोग हैं उनको बता सके ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स तो श्रीलंका में रहने वाले जो इंडियन तमिल्स हैं उन्हें कब लगता है कि वो एलिनेशन है मीन्स कि वो बाहर से आए हुए हैं और क्यों लगता है इसका इसका आंसर है मेजोरिटिज्म इस वजह से बहुत सारे जो सिन्हलाज है श्रीलंका में उनका मेजोरिटी बहुत ज़्यादा है इस वजह से जो श्रीलंकन तमिल्स है वो संख्या में कम हो जाते हैं और उनकी बातें नहीं चल पाती इसलिए उन्हें फील होता है कि वो एलिनेशन है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पावर डज़ द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम इन्जॉय बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे जो कम्युनिटी इन्जॉय करती है कौन सा पावर इन्जॉय करती है तो हमारा आंसर है दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़ तो जब भी वहाँ पे डच लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बोली जाती है और फ्रेंच लैंग्वेज भी है तो जब भी इस तरह के लैंग्वेज बोलने वाले के पार्टी मेजॉरिटी uh, में आती है तो उस समय के रिगार्डिंग uh, जो कल्चर है एजुकेशन है या लैंग्वेज है ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है उनको बहुत ज़्यादा पावर मिलता है और वो इस पावर का इन्जॉय करते हैं चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका श्रीलंका का स्टेट रिलीजन क्या है वहाँ का रिलीजन धर्म कौन सा है तो आंसर है बुद्धिज्म वहाँ के लोग बुद्धिज्म को मानते हैं चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फॉर्म द मेजॉरिटी इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन इन श्रीलंका तो श्रीलंका में मेजोरिटी के हिसाब से किसकी जनसंख्या ज्यादा है तो आंसर है हमारा सिन्हला कम्युनिटी सिन्हला कम्युनिटी वहाँ की मेजर कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा जनसंख्या में है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट मेजर वाज अडॉप्टेड बाय द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका टू स्टेबलाइज सिन्हला सुपरमेसी तो किस तरह से सिन्हला सुपरमेसी को आ, अच्छे से लागू करने के लिए वहाँ के डेमोक्रेटिकल इलेक्ट गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए या क्या मेजर अडॉप्ट किए तो इसका आंसर है मेजिटेरियन जो मेजोरिटी में रहेगा उसकी पावर चलेगी यही है सिन्हला सुपरमेसी चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडेंशियल रीजन बिहाइंड पावर शेयरिंग पावर शेयरिंग के पीछे प्रोडेंशियल रिजल्ट क्या है या दूसरा क्वेश्चन है व्हाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसीज़ तो किस तरह से पावर शेयरिंग डेमोक्रेसीज के लिए अच्छा है तो इसका आंसर है इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी और ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप कुछ सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने से ये बचाता है क्योंकि ये इक्वालिटी के ऊपर चलता है और सबको बराबर पावर देता है और राइट्स देता है इस वजह से दो अलग सोशल ग्रुप में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता तो चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच टू लैंग्वेजेस आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम बेल्जियम में किन दो लैंग्वेजेस को बहुत ज़्यादा बोला जाता है तो वो दो लैंग्वेजेस हैं फ्रेंच एंड डच फ्रेंच एंड डच आर टू लैंग्वेजेस दैट आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स Also, comment below your suggestion for betterment. Thank you so much for your support.